भारतीयों, आप सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2024-25 के अंतर्गत, जिसमें दोस्तों लाभार्थियों को पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, इसका फंड को रिलीज कर दिया गया है। जिसमें दोस्तों 9 करोड़ से भी ज़्यादा फंड रिलीज कर दिया गया है 2024 और 25 के अंतर्गत। ये आप सभी लोग के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुका है, प्रधानमंत्री आवास योजना 2024-25 के अंतर्गत, जिसमें दोस्तों सभी लाभार्थियों को पैसा ट्रांसफर किया जाएगा पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी किस्त का, जिसमें 9 करोड़ से भी ज्यादा फंड रिलीज हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किन किन राज्य के अंतर्गत फंड रिलीज हो चुका है, किन किन लाभार्थियों को कितना अमाउंट दिया जाएगा, कितना पैसा दिया जाएगा, आइए फटाफट जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आप लोग को इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। और दोस्तों, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आते, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आप लोग को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। वहां से दोस्तों आप क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पेज पर आ जाएं। इस पेज पर आने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को ऐप सेक्शन पर आना है। ऐप सेक्शन पर आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को 10 नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा, कैटेगरी विज एफटीओ जनरेट। आप लोगों को इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों क्लिक कीजिएगा, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2024-25 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, और नीचे यहाँ पर लिस्ट देखने को मिल जाएगा। इस लिस्ट में आप लोग पूरा डिटेल्स चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सभी स्टेट का नाम यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जिसमें एफटीओ भी बन चुका है, बेनिफिशियरी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में यहाँ पर 26,000 से भी ज़्यादा बेनिफिशियरी ऐड हो चुके हैं। और यहाँ पर आप लोग अमाउंट देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग को फंड अमाउंट देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरी किस्त के अंतर्गत यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एफटीओ, और यहाँ पर आप लोग बेनिफिशियरी देख सकते हैं 1,55,000 से भी बेनिफिशियरी ऐड हो चुके हैं, और यहाँ पर आप लोग को अमाउंट फंड देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरी किस्त के अंतर्गत यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एफटीओ देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आप लोग बेनिफिशियरी देख सकते हैं 2,00,000 से भी ज़्यादा बेनिफिशियरी ऐड हो चुके हैं। और यहाँ पर आप लोग को चौथी किस्त का देखने को मिलेगा, जिसमें दोस्तों चौथी किस्त में यहाँ पर एफटीओ देख सकते हैं और बेनिफिशियरी 55,000 से भी ज़्यादा ऐड हो चुके हैं, और यहाँ पर आप लोगों को फंड देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों पूरे भारत के अंतर्गत दोस्तों सभी लाभार्थियों को पहली, दूसरी और तीसरी किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। इसका फंड रिलीज हो चुका है, 9 करोड़ से भी ज़्यादा फंड रिलीज हो चुका है। तो किन किन राज्य के अंतर्गत पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत पहली किस्त में कितना एफटीओ बना है, कितना बेनिफिशियरी ऐड है, और यहाँ पर कितना फंड रिलीज हुआ है। यहाँ पर आप लोग पहली, दूसरी और तीसरी किस्त का देख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आसाम के अंतर्गत, बिहार के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, गुजरात के अंतर्गत, हरियाणा के अंतर्गत, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जिसमें दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को 27 से 28 राज्य के अंतर्गत देखने को मिलेगा। सभी राज्य के अंतर्गत फंड भी रिलीज हो चुका है 2024-25 के अंतर्गत, और लाभार्थियों को पहली, दूसरी और तीसरी किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा 2024-25 के अंतर्गत 27 से 28 राज्य के अंतर्गत। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आके आप लोग पूरा डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग को पूरा डिटेल्स को चेक करना है तो यहाँ पर आप लोग पूरा डिटेल्स देखकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अपना स्टेट को फिलअप करके यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर अपना स्टेट सिलेक्ट करके यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट को आप लोग को सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको अपना ब्लॉक को सिलेक्ट करना है। ब्लॉक को फिलअप करने के बाद नीचे यहाँ पर आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट का, यहाँ पर क्लिक करके एफटीओ जनरेट पर आप लोगों को क्लिक करना है। इसके बाद नीचे यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड इंस्टॉलमेंट को आप लोगों को सिलेक्ट करना है। इसके बाद एक कैप्चर कोड मिलेगा, इस कैप्चर कोड में माइनस प्लस जो भी रहेगा इसे आप लोगों को सॉल्व करके सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का लाभार्थी का डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लाभार्थी का डिटेल्स आ चुका है, कितने लाभार्थी ऐड है, लाभार्थियों को कितना अमाउंट दिया जाएगा, कुछ इस प्रकार से आप भी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।